नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम बात करेंगे जो हमारा सिल्वर डॉलर फिश है उसको रखने के लिए आपका एक्वेरियम का आप सेटअप कैसे करेंगे उसी के बारे में आज पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो एक्वेरियम का सेटअप में बहुत सारे चीजें आपको मायने रखता है, जैसे कि आपका एक्वेरियम का साइज, आप एक्वेरियम में कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं, कौन सा लाइट यूज कर रहे हैं, कौन सा हीटर यूज कर रहे हैं और भी बहुत सारे चीजें। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए। और जब आप साइड में बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप ऑल सिलेक्ट कर लीजिए तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास एक तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पूरे डिटेल्स में। दोस्तों ये जो फिश है आपका सिल्वर डॉलर जो है ये एक फ्रेश वाटर फिश है, मतलब ये जो होती है मीठा पानी में रहने वाली मछली है। इसको रखने के लिए पहले आपका एक्वेरियम का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एक उसी के बारे में। तो दोस्तों पहले एक्वेरियम का आपका साइज जो है वो मेन फैक्टर है कि आपके एक्वेरियम का आप साइज कितना मतलब क्या रख रहे हैं। ठीक है, तो एक्वेरियम का आपका साइज जो है आप कोई भी साइज रख सकते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम जो पानी होना चाहिए वो 50 से 55 US गैलन होना चाहिए। 1 US गैलन जो होती है वो 3.78 लीटर होती है, तो अप्रोक्स जो पानी है वो मिनिमम 200 लीटर आपका एक्वेरियम में होना चाहिए। लेकिन आप 75 गैलन का एक्वेरियम यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। 75 गैलन मतलब अप्रोक्स आप पकड़ लीजिए, मतलब 3.78 × 75 आप कर लीजिए, जो भी हो रहा है उस हिसाब से आपका एक्वेरियम मतलब 200 से 300 लीटर का पानी आपका होना चाहिए आपका एक्वेरियम में। ठीक है, और एक्वेरियम आप जैसे बहुत सारे एक्वेरियम आती है, जैसे कि आपका गोल एक्वेरियम आता है, रेक्टेंगल आता है और स्क्वायर में आता है। आप ज्यादातर इस फिश के लिए मैं आपको बताऊं बड़े एक्वेरियम होना चाहिए। आप कोई भी एक्वेरियम ले सकते हैं लेकिन एक्वेरियम जो है आपका बड़ा होना चाहिए। टैंक में इनको घूमने के लिए कुछ ज्यादा ही स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए आपको एक्वेरियम जो है आपको मैं रिकमेंड करूंगा। तो आपको लेंथ में जो आपका रेक्टेंगल साइज में आप ले रहे हैं तो आपको 4 फीट आपका लेंथ होना चाहिए। हाइट आप 1.5 फीट रख सकते हैं या 2 फीट रख सकते हैं, या जो चौड़ाई है आपका मतलब विड्थ जो है वो आप रख सकते हैं 2 फीट रख सकते हैं या 1.5 फीट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जो लेंथ है वो 4 फीट मिनिमम जो है टैंक सेटअप कीजिए। और इनको आप मतलब टैंक आपका साइज हो गया 4 फीट का, आपको ग्रेवल कैसा डालना है, जो नीचे आप पत्थर वगैरह डालते हैं तो ये ज्यादा लाइट ग्रेवल नहीं होना चाहिए, जो थोड़ा डार्क ग्रेवल आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। और लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दोस्तों लाइट जो है डीम लाइट यूज कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे LED लाइट आती है जो कि बहुत ज्यादा फोकस मतलब देने के फीस को मतलब देता है, तो उसको यूज मत कीजिए। आप थोड़ा डीम लाइट इनके लिए यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये फिश होती है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं कि ये फिश जो है एक साइड में ही सब डर के मतलब एक साइड में ही हो गए हैं, तो आपको क्या करना है आप थोड़ा डीम लाइट यूज कीजिए। ठीक है, और स्पेस में पहले ही बता रहा हूँ आपको, जो आपका एक्वेरियम का स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आप जितना भी फिश ऐड कर रहे हैं और आप पहले बिगनर है मतलब अभी नया नया एक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है 5-6 जो आपका सिल्वर डॉलर है एक साथ आप लाके छोड़ सकते हो, दूसरे फिश अभी स्टार्टिंग में ऐड मत कीजिए। ठीक है, और बात करते हैं आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये फिल्ट्रेशन जो होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं होगा अच्छा तो आपका जो टैंक है वो बहुत जल्दी गंदा होगा, और वाटर चेंजेस भी आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका फिश मर भी सकती है। तो आपको मैं बता दूं जो लार्ज आपका कनिस्टर फिल्टर आता है उसको आप यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, और वाटर जो मूवमेंट है वो भी बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए। वाटर मूवमेंट के लिए आपका कपल पावर हेड फिल्टर आता है, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं, या कपल पावर हेड फिल्टर नहीं है तो आपका पावर हेड फिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं वाटर मूवमेंट के लिए। और आपका ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी बहुत हाई होना चाहिए, उसको भी हाई रखने के लिए आप ऑक्सीजन जो पंप आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक्वेरियम आप सेटअप कर रहे हैं, एक्वेरियम आपका बन गया है, तो आपको क्या करना है ऊपर जो आपका कवर लगती है एक्वेरियम का उसको भी आप जरूर बनवा लीजिए, और वो अच्छा बनाइए जिसमें कि ये फिश क्या करती है ऊपर आके जंप करने की कोशिश करती है। या तो आप जब फिश मतलब डालते हैं आपके एक्वेरियम में तभी वो मतलब स्टार्टिंग में जंप कर देते हैं, तो इसके लिए उसकी जो कवर है वो थोड़ा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं ये जो फिश होती है ये क्या करती है, ज्यादा वेजिटेबल्स लविंग फिश होती है, मतलब ज्यादा वेजिटेबल्स फूड खाना पसंद करते हैं, तो इनके लिए क्या करना है आप एक्वेरियम हम दो टाइप का सेटअप करते हैं, एक प्लांटेड एक्वेरियम सेटअप करते हैं और एक होती है जो कि आर्टिफिशियल चीजों से सेटअप करते हैं हम एक्वेरियम, जिसको आर्टिफिशियल एक्वेरियम हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम में आपका जो आप प्लांट्स यूज कर रहे हैं जो आर्टिफिशियली जो प्लास्टिक के प्लांट्स आती हैं वो सब आप अंदर सेटअप कर रहे हैं तो आपको जो फिश है उसको नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये जो फिश होती है ये मैंने पहले ही बताया कि वेजिटेबल लविंग फिश होती है, ये क्या करते हैं जो उनके अंदर प्लांट्स होती है उनको खाते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर जो मतलब फिश है ये आपका जावा फॉर्न करके एक प्लांट्स आता है और एक आपका हॉर्न वर्ट प्लांट्स का नाम है। ठीक है, ये दो जो प्लांट्स है इनको खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपके यही प्लांट्स का जो आर्टिफिशियल या प्लांट यूज कर रहे हैं
तो देखिए आप थोड़ा सिल्क प्लांट होना चाहिए, मतलब थोड़ा प्लांट जो है इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि आपका जो फिश है उसको खाए तो उनकी मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लेकिन यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट में, आपके पास प्लांटेड प्लांट नहीं है, ऑल्टरनेट में आप इसको आर्टिफिशियली जो प्लांट्स में ये सारा जो चीजें है यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और हम बात करते हैं इनकी, तो मैंने बताया आपको कि फिल्ट्रेशन सिस्टम जो कनिस्टर फिल्टर यूज कर सकते हैं, और जो आपका फिल्ट्रेशन के लिए, और आपका पावर हेड फिल्टर जो है वाटर का मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, और जो हीटर आप यूज करते हैं दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताऊं, जो आपका ग्लास हीटर आता है ना वो इस फिश के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ग्लास फिश मतलब ग्लास हीटर को। ठीक है, तो और आप दूसरे जो हीटर आता है उसको आप यूज कर सकते हैं, और ये जो मैंने प्रोडक्ट आपको बताया, ठीक है, जो भी चीजें हैं आप पेट शॉप से नियरेस्ट आप खरीद सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा, उसको जाके आप यहाँ से जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे चीजें हैं इस फीस को रखने के लिए, बहुत सारे चीजें आपको जो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ डिटेल्स लेके। आपको कोई जानकारी हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।